इन 3D पॉइंट आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ बने हैं वीडियो नंबर 3 लेकर के केंद्रीय समस्या। वीडियो नंबर 1 में इंट्रोडक्शन परिचय और शास्त्र के बात किए थे। नंबर 2 में आर्थिक समस्या बात किए थे, आर्थिक क्रिया बात किए थे, आर्थिक क्रिया प्रकार और केंद्रीय समस्या तक पहुंचे थे। वहाँ केंद्रीय समस्या के डिफिनेशन पढ़ चुके थे हम लोग कि केंद्रीय समस्या क्या होता है। केंद्रीय समस्या वह समस्या होता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए उत्पन्न होता है। हम बात की थी केंद्रीय समस्या 3 प्रकार होता है। रियल में 3 ही प्रकार होता है, देखते हैं किस प्रकार से। तो बात करते हैं फर्स्ट अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के फर्स्ट जो होते हैं साधनों के आवंटन की समस्या, दूसरा साधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की समस्या और थर्ड है साधनों के विकास की समस्या। एक्चुअल में इसे मेन तो फोकस करना पड़ता है जो साधनों का आवंटन की समस्या उसके तीन उनके तीन है। रियल में बात कीजिए तो 5 है, गिनेंगे तो 5 है। 1 फर्स्ट का 3 पार्ट किए हैं, उसका 2 प्रयोग। इन इन दोनों को आधुनिक समस्या के रूप में जाना जाता है। और जो फर्स्ट जो रियल है साधनों आवंटन की समस्या उसके अंदर 3 है मुख्यतः जिसे शुरू से लेकर पढ़ा जा रहा है। तो फर्स्ट बात करते साधनों का आवंटन की समस्या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के क्या, तो उसमें से पहला है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। फर्स्ट प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम की व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या का संबंध चयन से। हम लोग बात की थी किसी भी अर्थव्यवस्था पढ़ना के बारे में अर्थव्यवस्था पढ़ना ही चयन को दर्शाता है। मीन्स अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड सोर्स के बीच हाउ टू डील दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो किस प्रकार से सिचुएशंस को डील किया जाए सीमित साधन और असीमित इच्छाएं को, तो वहां पे हम लोग चयन लाते हैं, चुनाव को लाते हैं। तो उसी चीज को बात करते हैं कि पहला जो समस्या उत्पन्न होता है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या किसी भी समस्या वो होता है चयन च्वाइस चुनाव का। तो वही बात करता है कि क्या और कितनी मात्रा मीन्स क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे संतुष्टि अधिकतम मिले, उपभोक्ता संतुष्टि अधिकतम मिले मीन्स संतुष्टि अधिकतम मिला और किसका च्वाइस, दो चीज को पकड़ के आपका करना है। सेकेंड उत्पादन कैसे किया जाए मीन्स हम तो यहाँ पे अर्थशास्त्र की पहली केंद्रीय समस्या पढ़ चुके हैं कि च्वाइस च्वाइस इस चीज को करते से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होता है। तो उस चयनित वस्तु को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए, आधुनिक तकनीक से कि पुरानी तकनीक से, किस कोई तकनीक आधुनिक तकनीक में खर्च ज्यादा होता है और पुरानी तकनीक में खर्च कम होता है, तो कौन सी विधि से उत्पन्न किया जाए जिससे उपभोक्ता भी ज्यादा संतुष्ट हो और उत्पादक को भी ज्यादा फायदा हो। यही लिहाजा से चयनित वस्तु को उत्पन्न करने के अनेक तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छी जिससे उत्पादक एवं उपभोक्ता की अधिकतम आवश्यकता पूरा हो सके इसी बात को अध्ययन कराती है। उत्पादन कैसे किया जाए, नंबर 3 उत्पादन किसके लिए किया है मीन्स फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो सभी उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, पता है कि सब उपभोक्ता जो एक जैसा कमाई नहीं करते हैं, अतः यह पता लगाना कठिन होता है कि उपभोक्ता मीन्स व्यक्ति किस प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए सक्षम मीन्स किस प्रकार की वस्तु को ज्यादा चाहता है, किसे वह खरीदना चाहता है। चलिए नेक्स्ट बात करें साधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की समस्या मीन्स अभी हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के मेन जो 3 समस्या थे क्या कितनी मात्रा में वस्तु के कैसे उत्पादन किया और किसके लिए किया जाए। और जो नंबर 4 जो हमको नंबर 2 के रूप में पढ़ रहे हैं वो कि किस साधनों के पूर्ण किस प्रकार से पूर्ण प्रयोग करके और उसका कुशल मीन्स अच्छा सा प्रयोग करें अच्छा सा रिजल्ट दे, या एक समस्या है। ठीक है, तो बताते हैं कि सभी साधन सभी तरह के कार्यों के लिए कुशल नहीं होते मीन्स एक साधन से हम सभी कार्य को नहीं कर सकते हैं। मीन्स सर्फ से कपड़ा तो साफ होता है लेकिन साबुन की जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, जिसके कारण यह पता लगाना कठिन हो जाता है कौन सा व्यक्ति किस तरह के कार्यों में कुशल मीन्स कौन सा चीज या कौन सा व्यक्ति जैसे सर्फ का एग्जाम्पल लेते कौन सा सर्फ ज्यादा कुशल है कौन सा सर्फ कम है। सर्फ की जरूरत सर्फ से साफ होता है तो साबुन की जरूरत क्यों पड़े, तो यह पता लगाना कठिन हो जाता है। और तो सभी साधन अपने कार्यों के प्रति पूर्ण उत्तरदायी नहीं, अगर पूरी तरह से घड़ी ही सर्फ से साफ हो जाता तो व्हील और वगैरह सर्फ की जरूरत क्यों पड़ती मीन्स सभी साधन अपने कार्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब देखेंगे डिटॉल या बहुत सारे प्रचार होता है लाइफ बॉय का जब वह दिखाता है ठीक है साफ करके, तो वहां एक ना एक वायरस को छोड़ दे क्यों ये वही वायरस से फिर अगला बढ़े और मेरा सामान बिके इसीलिए उसे दिखाता है। चलिए नेक्स्ट है साधनों के विकास की समस्या मीन्स साधनों के विकास की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्यों
क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल वर्तमान के उपभोग से जीवन भर नहीं रह सकता है। अगर हम अभी खाएं अभी पढ़ाएं तो आप जिंदगी भर नहीं रह सकते, बल्कि भविष्य में उपभोग की आवश्यकता पड़ती है जो साधनों के अभाव में नहीं पाता। अगर अगर हम जो उत्पन्न हो गया उसे खाते जाए उसे अगर उत्पादन नहीं किया जाए तो क्या भविष्य में हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग विकास उसे करना इसलिए पूरा नहीं पाता। अतः साधनों के विकास के कारण आवश्यक है, साधनों का विकास करना आवश्यक है इसीलिए क्योंकि उत्पादक तथा उपभोक्ता द्वारा शोषण किया, मीन्स उत्पादक और उपभोक्ता भी वस्तु को शोषण करता है। क्या जो प्रोड्यूस करता है वो नहीं खाता है, उसे भी खाता है और वह भी खाता है, लोगों को भी खिलाता है। अगर हम लोग उसका विकास नहीं किए, साधनों को नहीं बढ़ाए तो हमें भविष्य में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अवसर लागत, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017, 2019 जैक में और वगैरह पूछा, आप अपने बोर्ड के अनुसार देख लीजिएगा। किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को जो त्याग किया जाता है, मीन्स दूसरी वस्तु की लागत को जो त्याग किया जाता है उसे अवसर लागत कहते हैं। मीन्स लागत मीन्स पहले कौर समझिए और ध्यान से पढ़िए। किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, कॉमा रुक जाइए, दूसरे वस्तु की लागत को जो त्याग किया जाता है उसे अवसर लागत कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ाने के मुझे 500 रुपया पर आवर मिल रहे हैं। अगर हम यही किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते हैं और वहां मुझे 10 हजार रुपया पर आवर मिलता है, तो मेरे लिए जो फर्स्ट वाला जो 5 हजार पर आवर था उसको अगर हम त्याग कर दिए और जो दूसरा पकड़े तो मेरा 5 हजार जो 500 रुपया पर आवर या 5 हजार पर आवर था वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अवसर लागत। मीन्स मेरा फर्स्ट ऑफर यही था पढ़ाने का, तो ये मेरे लिए अवसर लागत है। नेक्स्ट बात करिए सीमांत अवसर लागत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बने रहिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।